और प्रताप, हमें लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। कभी कभी हमें युद्ध भूमि से पीछे भी हटना चाहिए ताकि जब हम दोबारा शत्रुओं पर आक्रमण कर सके तो पूरी उत्साह और जोश से कर सके। यही कहती थी ना रानी माँ। नाम मत लीजिए हमारी रानी माँ का। शुक्रिया अब्बा हुजूर। प्रताप, अभी भी हमारे पास समय यहाँ से निकलने का। आप जाइए यहाँ से, इसी पर हम अफगानों को संभाल लेंगे और उनको मारने के बाद यहाँ से वापस आएंगे। और ये व्यू चक्र आपकी हत्या के लिए है। देख नहीं रहे आप कितने सैनिक हैं यहाँ पर? उन्होंने हमें घेर लिया है तरफ से। एक क्षत्रिय घिरने के बाद कभी अपना साहस और तेज नहीं खोता। आप जाइए यहाँ से, इसी पल जाइए, हम इन अफगानों को संभाल लेंगे। और वैसे भी ये हमारी धरती पर आए कैसे? ठीक है, अगर मृत्यु का ही आलिंगन करना है मातृभूमि के लिए तो हम ये भी खुशी खुशी कर लेंगे। कुछ नहीं होगा आप होश मत खोइए, आपको यहाँ से निकालेंगे। हमारे पास यहाँ से निकलने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमें दिख रहा है मार्ग, हम जानते हैं यहाँ से निकलने का मार्ग। कुछ नहीं होगा आपको। थोड़ी देर और, ये लोग कहीं जाने ना पाए। थोड़ी देर में हमारी सेना आ जाएगी, फिर ये कहीं नहीं जा पाएंगे। हिम्मत रखिए, बहुत शीघ्र हम उपचार के लिए आपको एक सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। बस साथ लेते रहिए। रानी साहब, पत्ता कहाँ है? अभी तो यही था, पता नहीं। ये तो सबसे अधिक उत्तेजित थी। इस टुकड़ी के सहित अफगानों की छावनी पर आक्रमण कर अजब देखो बचाने के लिए, पता नहीं अभी कहाँ चले गए। ठीक है, हम अभी उन्हें देख कर आते हैं। ठहरिए, क्या आपने पर्वत दास जी को देखा है? उधर जंगल की ओर जाते देखा था हमने उनको। हाँ हाँ, हमने भी अंतिम बार उनको उधर जंगल की ओर जाते हुए देखा था। धन्यवाद। कहीं जीजा का संदेश सही तो नहीं निकला? संदेश? किस बात का संदेश? हम आपके लिए स्वच्छ जल ढूंढ के लाते हैं।
इन्हें यहाँ से जाने दो बादशाह खान, वरना तुम्हारा हश्र तुम्हारे भरे पाप से अधिक अधिक बदतर होगा। प्रताप, हर हाल में हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। बहुत बड़ी कीमत वसूल करने वाले हैं हम, बहुत बड़ी। आपका घाव तो नीला पड़ गया है, अर्थात वो तीर विष पूछा था। भाइयों, हमारे पास खोने के लिए कोई वक्त नहीं बचा। एक एक लम्हा बेशकीमती लम्हा है। हमें रातों रात बिचौलिया को घेर लेना है, ताकि सुबह होते ही हम बिचौलिया पर हमला करेंगे। और इस बार राजपुताने के नक्शे में से बिचौलिया का नाम और निशान मिटा देंगे। नाम और निशान। हुजूर की शान में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हुजूर प्रताप और बाईजी लाल का क्या करेंगे हम? वो दोनों चुप नहीं बैठने वाले और इस पे जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। बेहतर नहीं होगा हुजूर कि हम इन दोनों लोगों के लिए कोई नायाब और पूरा सर तरकीब सोच ले? कोई भी तरकीब सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारा तीर बाईजी लाल को लगा है वो जहर पुछा तीर था, और इस वक्त प्रताप अपनी अजब को बचाने में लगा होगा, जिसमें वो यकीनन ना कामयाब होगा। पर हम चाहते हैं कि तब तक हम बिचौलिया पे कब्जा कर ले। जलकार हो, जलकार हो। चेतक, हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब जैसी दिशा से होते हुए सीधे जाएंगे, तीन योजन चलेंगे, बाएं लेंगे तो बाएं लेते ही भूरे रंग की पहाड़ियां आएंगी। पहाड़ियां पार करते ही दो योजन चलेंगे तो एक नदी आएगी। नदी जैसे ही पार करेंगे तो बाएं तरफ पीले पीले पत्तों की झाड़ियां होंगी, वहां से जितने पत्ते ला सके आपको लेकर आना है। उनका जीवन आपके भरोसे है, अगर होता तो आपके साथ चलते, पर हमारा यह रहना आवश्यक है। चाहिए चेतक, पत्तों को लेकर आइए, बस वही पत्तियां बचा सकती हैं। जब देखो पत्ता, कहाँ जा रहे हैं आप और किस संदेह की बात कर रहे थे आप? तुम्हें संदेह है कि पर्वतदास जी देश तो नहीं है क्या? हाँ, और यदि हमारा ये संदेह सही निकला तो हमें ये भय है कि कहीं इस समय पर्वतदास जी बादशाह खान को सचेत करने तो नहीं गए। अरे नहीं नहीं चक्रपाणी, यदि पर्वतदास जी देशद्रोही हैं तो वो अफगानों को बता देंगे कि हम सब किसी भी समय कुंवर प्रताप और जीजा को बचाने के लिए अफगान छावनी पर आक्रमण करने वाले। जैसे बिचौलिया चारों तरफ से घिर जाए, हम बिचौलिया पर हमला कर देंगे। जाओ, लेकिन आपको उन पे संदेह है, उसका क्या आधार है आपके पास? पर्वतदास जी को जितना हम जानते हैं बिजोलिया में सबसे विश्वासपात्र लोगों में से एक है वे। हमें भी यही लगता है चक्रपाणि, हमें भी यही लगता है कि तू कुछ ही दिनों पूर्व हम दोनों को ये ज्ञात हो गया कि हमारे ही बीच कोई ऐसा है जो हमारे सभी गुप्त बातों को बादशाह खान तक पहुंचा रहा है। हम दोनों, अर्थात हम और जीजा। जीजा को संदेह हो गया था पर्वतदास जी पर, कि तो उस समय हमें उन पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए हमने जीजा के संदेह को नकारा। परंतु अब आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अनुचित हैं? संदेह तो हम भी नहीं करना चाहते हैं पर्वतदास जी पर, किंतु यहां से चले गए
परंतु इस बात से कोई निष्कर्ष तो नहीं लगाया जा सकता है। अन्यथा सोचिए, नीलामी वाले दिन आक्रमण कैसे हुआ था? जिस दिन मेवाड़ के सिपाही कुंवर प्रताप को ढूंढने के लिए पिचोले आए थे, उस दिन लड़ाई के पश्चात सबसे पहले पर्वतदास जी ने ही सबके सामने जीजा के चरित्र पर प्रश्न उठाया था, उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाया था। क्या कर रहे थे कुंवर प्रताप यहाँ? क्यों बना दिया था उन्हें सेनापति हमारी सेना का? भाई जी लाल, कहीं आपका पत्नी धर्म आपके राजधान को प्रभावित तो नहीं कर रहा है ना? आप तो इतना भूल मिल गई थी उनसे, हम कैसे मान ले? क्या आपको पता भी नहीं चला कि वो आपके पति है? हम बिजोलिया वासियों को चला गया है। प्रजा को उनके विरुद्ध करने का प्रयास? हाँ, और सत्य कहे तो वो शब्द पर्वतदास जी के ही थे जो हमें कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाने के लिए उकसाते थे। हमें उस अश्वपालक पे अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए ताकि वो हमारी सेना को अधिक सुदृढ़ करे, क्योंकि नेतृत्व के गुण जो उसमें है, क्षमा करे, वो पत्ता में नहीं। अन्यथा हम दोनों में लड़ाई क्यों हुई थी? इसी कारणवश। परंतु बाईजीलाल को उनके लिए संदेह क्यों आया? क्योंकि अफगान आक्रमण के ठीक पहले किसी ने महल के सभी सुरक्षा कर्मचारियों को विषाद लड्डू खिला दिए थे, जिसके कारण वे सभी अचेत हो गए थे। तब गए थे हम जीजा के पास। जीजा, महल के तो सभी सुरक्षा कर्मी लड्डू खाकर अचेत हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने अपने आप नहीं खाए लड्डू, किसी ने बड़ी चालाकी से उन्हें ये लड्डू खिलाए। किंतु कौन खिला सकता है? हमें संदेह है कि पर्वतदास जी ने। क्या? हाँ, हमें उन पर बहुत पहले से ही संदेह था पत्ता, परंतु इस दुर्घटना के बाद हमने तुरंत अपने विश्वस्त सेवक को उनके आवास पे खोज खबर लेने भेजा, और देखिए ये मिला उन्हें वहां पर। ये वही विषाक्त चूर्ण है जो हमारे सुरक्षा कर्मियों को खिलाए गए लड्डुओं में मिलाया गया था। चीचा ने ये बात सबके सामने इसलिए नहीं लाई क्योंकि वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि जब बाहरी शत्रु हमारे सर पर खड़ा हो तो इस बात के कारण हमारी प्रजा का मनोबल टूटे। घबराहट से मात्र विनाश हमारा ही होगा। इस समय आवश्यकता की बात यह है कि हम हिम्मत से और पूरी क्षमता से संकट का सामना करें। एकलिंग जी, हम इस षड्यंत्र को कैसे नहीं समझ पाए? हम समझे नहीं। अफगानों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर आक्रमण किया था, इसलिए हम भी शस्त्रागार की ओर ही गए, और वो अफगान हमारे पीछे जीजा का अपहरण करने आए। अर्थात शस्त्रागार पर वो आक्रमण केवल उनकी एक योजना थी, हमें और हमारे अन्य सिपाहियों को महल से बाहर निकालने की। परंतु इसका पर्वतदास से क्या लेना देना? चक्रपाणि, हमने वो शस्त्रागार मेले से खरीदे हुए हथियारों से बनाया था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिनमें से एक पर्वतदास जी भी थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हीं ने अफगानों को हमारे शस्त्रागार के बारे में बताया। जीजा की बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की है, और वो देशद्रोही हमारी सारी सूचनाएं अफगानों तक पहुंचाता रहा। इससे पहले कि घर का बेदी अफगानों तक पहुंच जाए, आप पकड़िए उन्हें। अवश्य पकड़ेंगे चक्रपाणि, अवश्य पकड़ेंगे, किंतु तब तक आपको हमारी सेना को यही रोके रखना होगा। एक भी सिपाही अफगान छावनी तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? जी।
इतनी पत्तियां पर्याप्त है, और नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद। खींच निकालेंगे देशद्रोही। कहीं वो देशद्रोही वहां जाकर तो नहीं छुप गया? चक्रपाणि, हमें लगता है जो भी मुट्ठी भर सेना हमारे पास उन्हें लेकर कुंवर प्रताप और अजब को बचाने के लिए हमें अफगान छावनी पर आक्रमण बोल देना चाहिए। हाँ रानी सर, परंतु पत्ता ने हमें यहाँ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। खंबा गणी रानी सा, रानी सा, अफगान सेना हमारे दुर्ग द्वार तक पहुंच चुकी है। रानी सा, हम पूरी सेना को लेकर शीघ्र ही दुर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ू, पाऊँ तुम्हें तो जग मैं छोड़ू। हम बिजौलिया वाले अगर घाव देना जानते हैं, मैं ही तो हूँ, तो घाव धोना भी जानते हैं। मैं ही तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो पास तुम्हारे, मैं ही तो साथ तुम्हारे, मैं ही तो आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। हमारी बनाई औषधि से उपचार हो रहा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एकलिंग जी, कहीं विष ने अजब दे के शरीर पर असर तो नहीं कर दिया?